सो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरा फास्ट है, तो मैंने पूजा पाठ कर ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। आज से रामलीला स्टार्ट है, तो आज वहाँ कलश यात्रा निकल रही है, तो अभी मम्मी और मैं वहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे कलश यात्रा शुरू हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर और मम्मी आ रही है पीछे से। क्या पता था? तो हम सब लोग जा रहे हैं, मैं सॉरी और पापा और पीछे बैठे हैं मामी। अथर्व, अथर्व इधर देख, अर्थ हाय कर दे और मम्मी अर्थ बाड़ी गाने तो होंगे आज इसमें, पता नहीं इतना सीरियस क्यों हो रखा है तू हैं। पहुँचने दे, लाइक सब्सक्राइब तो फिर करेंगे ना। हाँ हाँ ये बात भी सही है। ये यहाँ से मनुष्य जाते हैं क्या? हाँ यहाँ से मनुष्य जाते हैं। वाओ देखो जंगल के बीच में क्या मस्त नजारा है ना सारे। हाँ छाया ही छाया। माय गॉड यहाँ पे तो नदी आ रखी है। यहीं पे रखनी है गाड़ी। यहाँ पर भाई कितना मस्त लग रहा पानी। माय गॉड पानी, ओ भाई इतना पानी इधर। जब हम पिछली बार आए थे हम यहाँ से पैदल गए थे और आज यहाँ कह रहे कि रोड जो है वो थोड़ी सही हो गई है, इसीलिए हम अब गाड़ी से ही जा। हम सब लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है। मामी कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको कैसी हो रही है, तुझे कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाय कर दे, अतीत अतीत ला 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 क्यूटी। बजाएगा, बजाओ 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 बजाओ।
few moments later. तो हम सब लोगों ने पूजा कर ली है, अब मैं आपको भी मंदिर के दर्शन करा देती हूँ. और ये है यहाँ का पौराणिक मंदिर, जो सबसे सबसे पुराना मंदिर यही है. अच्छा, हल्द्वानी वाली. अच्छा अच्छा, वैसे तो पहचानती हूँ ना मैं, देखा नहीं कभी. तुम्हारी मौसी मेरी दीदी की बहू है. अच्छा, और अभी यहाँ पे हमें एक आंटी जी मिली है. ये मेरे मौसा जी की मौसी, मौसा जी की मौसी है. और ये भी मेरे व्लॉग्स देखती है. हाँ जी. सारा सामान इस छोटे से बच्चे के कंधे पे रख दिया. हमें सामान भारी हो रहा था तो हमने सारा सामान इसको पकड़ा दिया. तो चलो अट्टू, चलो फिर आंटी बाय. आप आना ना कभी, आप वहीं अभी घर चलते हैं, आजकल व्रत है ना, अब आएंगे कभी. और ये पूरा जो मंदिर है पूरा जंगल से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ पेड़. हमने एक केला बचाया था, मॉन्की केले, अभी देखते हैं खाता है या ले, ले, नीचे रख दे, नीचे रख दे, ये था. और कहाँ गया? ये और ये और ये बंदर ने केला ले लिया और वो खाने लग गया. किस स्वाद है, कह रहे हैं. जा रहे हैं, खाली जाओ. और मंदिर से भी लेके चले गया. ओ भाग्या. मेरा मम्मी का और मामी का फास्ट है आज. मेरा नवरात्रि का फास्ट है और मम्मी और मामी का सोमवार का व्रत है, इसीलिए हम लोग तो खाना नहीं खा सकते. पर पापा, सौर्य और छोटा वाला भाव यहाँ पे भंडारा हो रहा था, ये लोग यहीं पे खाना खा रहे हैं. ऐसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना, भंडारे का खाना अच्छा होता है. अभी हम लोग घर जा रहे हैं और मौसम एकदम इतना अंधेरा हो गया ना, ऐसा लग रहा है कि रात होने वाली है ना. सॉरी, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक बार दिखा दो इन्हें. हाँ, आपको से देख लो, इससे भी काला हो रहा है लेकिन फोन में गोरा दिख रहा है ना. हाँ एकदम, अभी रियल में तो बहुत काला हो रहा है ना, पर फोन में थोड़ा शाइन आ रहा है. इतना अंधेरा हो गया है, काले बादल आ गए हैं चारों तरफ. मैं तो गाइस अब इतना अंधेरा हो गया कि हमारी खुद की शक्ल भी नहीं दिख रही ना. देख, अब देखो गाइस, पूरा का पूरा अंधेरा, अंधेरी जगह. तो गाइस देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन में रात हो गई हो. सच में देख, सॉरी, अब तो रात ही लग रही है. हाँ, रात हो गई लगता है, है ना. हाँ, एकदम रात लग रही है. वो क्या बता रहा हूँ, अगर आपको डर लग रही है तो आप सॉरी को जरूर बताना. देखते हैं इस दुनिया में कितने लोग डरपोक हैं. मैं तो डरपोक हूँ. गाइस आपको भी डर लग रहा है तो कमेंट में बता देना. आपको डर लग रही है तो गाइस आप कमेंट में बताना. गाइस हम लोग वहाँ से निकले थे तो आधे रास्ते में भी बारिश स्टार्ट हो गई और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है. थोड़ी आधी 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 भी आ रही है. बहुत हवा चल रही है, बहुत तेज बारिश होने लग गई है यहाँ पे, जिसके कारण ड्राइव करने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि शीशे में अंदर से पूरी भाप बन जा रही है तो दिखाई कम दे रहा है. और सच में मौसम बहुत डरावना हो गया है. और सॉरी कुछ कहना चाहता है, बोल. अगर दोस्तों अगर आपके पास कोई घटना हुई है बहुत
ये देख लो, ये जो रॉकेट है ना, ये हमारी रक्षा करता है। नहीं दिख रहा है, बहुत बारिश आ रही है। देख लो ऊपर भी हनुमान जी का है। सच में यार मौसम कितना खराब हो गया। आराम से चलो, चल लो ना जल्दी खेलते हैं। लोग करते हैं गाइस नॉन। हां इसी में सीधा 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 चलो, बस यहाँ से निकल जाए। एक तो यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत है, तो यहाँ पे ज्यादा डर है आधी तूफान का। तो अभी हम लोग आ गए हैं थोड़ा इधर, और अभी बारिश रुक गई है उधर, थोड़ी रुक गई है ना, हल्की हो गई है बारिश। अभी हम लोग गाड़ी की वजह से बचे हुए हैं ना, वरना भीग के कैसा हो जाता, हम लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं ना। सॉरी डर भी लगा, कितना डर लगा? बहुत। जय हो माना रहे। और एक ही हल्द्वानी की रोड, पता नहीं कब बनती है ये, कब बनेगी ये, बनती क्यों नहीं है ये रोड? रूट का इतना बुरा हाल है। तो सारे अभी एक पोएम सुनाएगा आप लोगों को मौसम का हाल देखते हुए। चलो शुरू हो जाओ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। घर घर चूहा पानी, रात दिन रात दिन। हो गया आगे खत्म? आगे अरे इतनी पोएम, अगली बार अगले व्लॉग में पूरा पोएम याद होना चाहिए, ठीक है? ओके डन। और हमारे अर्थू सिंह की नींद खुल गई। सुबह जब गए थे सुबह का नजारा अलग था, और अभी का नजारा, ये सारे केले के पेड़ ढर गए हैं। हाँ सारे केले के पेड़ गिर गए, और यहाँ धान भीग गए कटे हुए, किसी के धान भीग गए, किसी का पराल भीग गया, और केले के पेड़ गिर रखे हैं। बारिश ने बहुत नुकसान, और पापा को चिंता हो रही है अपने गमलों की। प्यारे 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 गमले लगा रखे थे, अभी घर जाके देखते हैं कि गमलों के क्या हाल हो रखे हैं। बाय तू, बाय कर दो, बाय। जा रहे हैं मामी लोगों को छोड़ने, और मम्मी और मैं जाएंगे घर को। मम्मी और मैं जा रहे हैं पैदल पैदल, और यहाँ मैं आपको अभी दिखाती हूँ, यहाँ का तो नक्शा ही बदल गया। जब हम गए थे क्या मौसम हो रहा था, और अभी क्या हालत हो रही है। एक पेड़ हमारा भी गिरा है केले का, देख सकते हो आप, ही पूरे से ऐसे गिर गए हैं। सुबह कितने अच्छे हो रखे थे, अभी गिर गए। और ये पेड़ पौधों की हालत, ओहो हमारा तुलसी का प्यारा सा पौधा, मम्मी ये भी हो गया। ओ पापा पूरे रास्ते बोल रहे थे कि गमला गमला, और यहाँ पे हमारे तुलसी माता का गमला गिर गया है। सबको डर थी, मम्मी को अपने धानों की डर थी कि हमारे धान ढर जाएंगे, और पापा को गमले की चिंता हो रही थी, और मुझे चिंता हो रही थी कि सुबह मैं, पता है मैं पूजा करी थी, तो मैं यहाँ का मैंने डोर लॉक नहीं करा, कि मैंने सोचा पूजा मतलब आजकल व्रत है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था दरवाज़ा बंद करके जाना, इसलिए मैंने दरवाजे बंद नहीं करे। तो अब मुझे डर लग रही है कि मैंने दरवाज़ा बंद नहीं करा, और दिया, मुझे अपनी दिया की चिंता हो रही है। ओ माय गॉड, जय माता की। तो दोस्तों मेरा दिया अभी भी जल रहा है, हवा से यहाँ पे खिड़की खुल गई है, हवा से खिड़की खुल गई है, उसके बाद भी मेरा दिया जल रहा है, देख सकते हैं आप। और मतलब इस बात की मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो इसी बारिश वाले मौसम के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।